हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताया हूँ सैमसंग का जो गुड लक वाला मॉड्यूल होता है, या बोल सकते हैं गुड लक वाली जो ऐप होती है, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है थीम पार्क ऐप, जिसमें अभी रिसेंटली अपडेट को रोल आउट किया गया है। उस अपडेट में कुछ ना कुछ नए चेंजेस, या बोल सकते हैं नए फीचर को एड ऑन किया गया है। क्या यह नए फीचर है, कैसे उसको यूज करेंगे, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि होता है, मैं अपडेट बताने वाला हूँ सैमसंग थीम पार्क ऐप के लिए। तो उसके लिए आप चाहे तो गैलेक्सी स्टोर में भी जा सकते हैं, या फिर अगर आपको वहाँ गैलेक्सी स्टोर पे नहीं दिख रहा है तो आपको जाना है अपने मोबाइल की गुड लक वाली ऐप में। गुड लक वाली ऐप में जाने के बाद अगर आप नीचे की तरफ आएंगे मेकअप वाले सेक्शन में, तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा थीम पार्क में। यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको थीम पार्क में, ऐसे ही अगर आप जाएंगे यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर पे, तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको ये अपडेट नया रोल आउट हो गया होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखिएगा थीम पार्क में आपको एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये अपडेट अभी अभी रोल आउट किया गया। नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट का जो साइज़ है 14.89 MB का है, जिसका वर्जन नंबर है 1.00.955, और जिसको 4 अप्रैल 2023 के दिन रोल आउट किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट में नए चेंजेस क्या किए गए। सबसे मैं कर लेता हूँ उसको अपडेट। यहाँ पर आप सबसे पहले दिया गया है फिक्स लेआउट ब्रोकन इशू ऑफ क्यूब पैनल प्रीव्यू। क्यूब पैनल में लेआउट का जो भी कुछ इशू था उसको यहाँ पर शॉर्ट आउट कर दिया गया है, और साथ में नया फीचर एड ऑन किया गया है स्क्वायरल आइकन साइज एडजस्टमेंट दे दिया गया, और अदर बग फिक्सेस एंड यूजेबिलिटी इंप्रूव किए गए। ओवरऑल उसमें बग फिक्सेस किए गए और एक फीचर एड ऑन किया गया है स्क्वायरल आइकन एडजस्ट। तो देखते हैं कि कैसे इसको यूज करेंगे। तो इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद यहां पर जाना है आपको आइकन वाले सेक्शन में। तो इसको ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, क्रिएट पे कर लेना है, या फिर चाहे कोई से भी अपने खोल सकते हैं। लाइक मैंने यहां पर क्रिएट पे क्लिक कर लिया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर खुद ही आपको यहाँ पर आइकन्स के शेप्स मिल रहे होंगे, आप देख रहे होंगे उसमें स्क्वायरल जो वहां पर लिखा है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर भी आप देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायरल आइकन साइज एडजस्ट दिया गया है। यहाँ पर आप जाएंगे जो स्क्वायरल जो साइज है वो ये वाला होता है। आप चाहें तो गूगल करके भी देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा जो साइड से, जो मतलब जो उसके कॉर्नर से जो हल्का सा राउंड है वो है स्क्वायरल शेप। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ क्लिक करेंगे यहाँ पर एरो पे, तो यहाँ पर आपको इसका साइज एडजस्ट करने का भी ऑप्शन दे दिया गया, जो कि पहले वाले अपडेट में नहीं था। अब आपको यहाँ पर आप इसके साइज को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दे दिया गया। तो यही फीचर इसमें मेनली एड ऑन किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें आप इसका साइज को यहाँ पर मेंटेन कम और ज्यादा यहाँ पर आ सकते हैं। तो यही अपडेट यहाँ पर रोल आउट किया गया है। उसके बाद दोस्तों जो वहां पर दिया गया था कि क्यूब प्रीव्यू में उसको यहाँ पर उसको फिक्स आउट किया गया, तो क्यूब प्रीव्यू के लिए आपको बैक आना पड़ेगा। यहाँ से क्यूब पैनल पे जाएंगे तो जो क्यूब पैनल का लेआउट है उसमें कुछ इश्यूज थे प्रीव्यू में, तो वो यहाँ पर शॉर्ट आउट किए गए। ओवरऑल उसमें एक ही फ्यूचर को एड ऑन किया गया, जैसे कि स्क्वायरल शेप वाला, और साथ में सब कुछ बक्स आउट फिक्स आउट किए गए। तो यही नया अपडेट था, यही नए फीचर एड ऑन किए गए इस थीम्स पर ऐप में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसंद आई तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मुझे कोई टॉपिक का सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक ना दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। और सबसे जरूरी चीज़, यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।